वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1400 से ज्यादा हो गई है, जबकि 41 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 200 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिनमें 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के अलावा केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 20 से अधिक राज्यों में कोरोना तेजी से पैरों पसार रहा है। कोरोना के कारण पूरा देश लॉकडाउन है। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है, लेकिन अब भी मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है। दिल्ली से लौटे लोगों से असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अपील की है कि लोग सामने आए, अपने आप को पहचाने और खुद को क्वारंटाइन करें, असम के लोगों की जिंदगी खतरे में न डालें। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 12 नए मामलों की पुष्टि के बाद राज्य में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 230 हो गई है। नए मामलों में पुणे में 5, मुंबई में 3, नागपुर में 2 और कोल्हापुर व नासिक में एक एक नया मामला सामने आया है। राज्य भर में 17,151 लोग होम क्वारंटाइन और 960 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है। प्रदेशवार बात करें तो तेलंगाना में 77, बिहार में 15, गुजरात में 73, हिमाचल में 3, कर्नाटक में 91, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 41, तमिलनाडु में 67, चंडीगढ़ में 13, जम्मू कश्मीर में 49, पश्चिम बंगाल में 22, दिल्ली में 97, हरियाणा में 36, मध्य प्रदेश में 66, ओडिशा में 3, राजस्थान में 83, उत्तर प्रदेश में 96, महाराष्ट्र में 230, लद्दाख में 13, केरल में 234, आंध्र प्रदेश में 23 और उत्तराखंड में 7 केस सामने आए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मकरज का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मकरज में रहने वाले 200 लोगों को कोरोना का संदिग्ध माना जा रहा है। LNGP अस्पताल में मकरज के 34 लोगों को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने मकरज के मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला किया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे मंदिर और मस्जिद बंद है, तो फिर ऐसी हरकत क्यों हुई। बता दें कि मकरज में शामिल हुए लोगों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। दिल्ली के बाद लखनऊ और बिजनौर में छापे मारे गए हैं। तबलीगी जमात के 8 प्रचारक नगीना की जामुन वाली मस्जिद में मिले, ये इंडोनेशिया से आए थे। उधर कोरोना वायरस की चपेट में आकर केरल में एक और बुजुर्ग ने जान गंवा दी है। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में इस शख्स का इलाज चल रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की चपेट में आने से 48 साल की एक महिला की मौत हो गई। उसे हावड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईरान से जैसलमेर आए 9 और भारतीयों में कोरोना इन्फेक्शन मिला है। इन सभी भारतीयों को जैसलमेर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। ईरान से जैसलमेर लाए गए 482 भारतीयों में से 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से लड़ाई के लिए पावर कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी रिसर्च आगे बढ़ाने का काम करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, कोरोना के खिलाफ सबको साथ लड़ना होगा, इस लड़ाई में सबको साथ आना होगा। लोगों का समर्थन नहीं मिलने से मामले बढ़ रहे हैं। ये थे देश में कोरोना वायरस के अब तक के अपडेट्स। कोरोना वायरस का अगला बुलेटिन लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप खुद को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, साथ ही लॉकडाउन का पालन कीजिए। धन्यवाद।